दोस्तों आज हम लोग देखेंगे तो निफ्टी जो है कि 26,000 के ऊपर फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोज हुआ है और जो कि फ्रेश हाई भी यहाँ पे निफ्टी ने दिया है। उसके बाद उसके क्या लेवल हो सकते हैं, कल हमको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, और कल जैसे कि निफ्टी का जो है कि मंथली एक्सपायरी है तो कल का मंथली एक्सपायरी क्या हो सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंस है, वो कल हम लोग कैसे ट्रेड करना है ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट रिव्यू। मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 26 सितंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जी स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मॉनिटर रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से, और यहाँ पे निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे 26,000 के जो ऊपर क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि कल मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए कल का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हम लोग कल देखेंगे तो मार्केट रेंज में था। अगर हम लोग आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तो मार्केट ने जो है कि यहाँ पे एक नया हाई बनाया और एक रेंज ब्रेकआउट भी यहाँ पे किया हुआ है। तो निफ्टी और 26,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एक 26,000 देना ये फर्स्ट टाइम है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया। अभी नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे होता है तभी हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिबोनाची यूज किया था और अपने 100% वाला जो लेवल है 25,987 के लगभग थोड़ा सा ऊपर ये क्लोज होने में सक्सेसफुल हुआ है। तो और कितना ऊपर जा सकता है, तो देखिए अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो उसके ऊपर मार्केट एटलीस्ट 2 दिन क्लोज होना चाहिए। तो अगर ये जो अपना लेवल है 25,987 के ऊपर कल भी ये क्लोज देता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमारे यहाँ पे आ रहा है 26,458 यानी कि ऑलमोस्ट 26,500 जो कि एक राउंड फिगर भी है। अभी जैसे कि मार्केट को हमको क्या टॉप लॉस रखना है, अगर आप इंट्राडे में हो तो 25,987 ये बहुत ही नजदीक वाला टॉप लॉस है, बट अगर आप मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग रहना चाहते हो तो 25,851 जो कि ये जो सपोर्ट था ये बेस था ये हम लोग यहाँ पे टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में ये हमारा टॉप लॉस वर्क हो सकता है। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 25,500 ये जो है कि हमारा एक बड़ा टॉप लॉस हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता है। बट जैसे मैंने आपको कहा है कि कल जो है कि एक्सपायरी है और वो भी मंथली है, प्लस जो कि अगले महीने में जैसे कि फर्स्ट वीक अराउंड जो कि आरबीआई पॉलिसी आ रहा है तो मार्केट उसके एंटिसिपेशन में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग ये यहाँ पे लेवल देखे, हम लोग कुछ लेवल्स ऑप्शन चेन के ऊपर भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग इंट्राडे देखेंगे। तो हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी का और यहाँ पे 26 सितंबर को जो कि एक्सपायर होने वाला मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पे कॉल साइड में हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट साइड में सपोर्ट, यहाँ पे हम लोग थोड़ा एट द मनी के आसपास जाते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड ये जो 26,000 के आसपास ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 26,000 जो है उसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं, एटीएम या एट द मनी। अगर हम लोग फुट साइड में देखते हैं तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं तो ये जो ओपन ड्रेस है जिसको हम लोग कम्युनिटी ओपन ड्रेस कहते हैं वो जो हमको यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, और साथ ही साथ चेंजिंग ओपन ड्रेस जो कि आज के दिन में ऐड हो गया। अगर हम लोग वो देखेंगे तो ये 25,900 तो लगभग 100 पॉइंट नीचे यहाँ पे अच्छा मार्केट को सपोर्ट बन गया। 26,000 जो कि एट द मनी है और उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग हमको जो कि ज्यादा यहाँ पे ओपन ड्रेस दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये 2,43,000 है और ऊपर जाते हैं तो 2,62,000। तो ये 2,62,000 यहाँ पे मुझे जो है कि कम्युनिटी ओपन ड्रेस ज्यादा दिख रहा है इसलिए मैं ये लेवल लेता हूँ। अगर ये लेवल हम लोग देखेंगे तो ये आता है 26,200। तो 26,200 से लेके 25,900 तो ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट का जो है कि एक रेंज बना हुआ है जहाँ पे दो पोजीशन बनी हुई है। तो कल जो मार्केट है ये दो रेंज के अंदर हो सकता है, यानी 26,000 के नीचे 100 पॉइंट के अराउंड जाता है तो सपोर्ट होगा और ऊपर 26,000 जहाँ पे खड़ा है वहां से 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो रेसिस्टेंस होगा। तो आई थिंक जो है कि एक्सपायरी होता है तो मोस्टली मार्केट ये रेंज बनाता है तो रेंज बाउंड भी होता है, तो ये रेंज हमको कल देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग जहाँ पे खड़े उसके ऊपर 200 पॉइंट भी मार्केट जाता है तो ये भी वो दिन का अच्छा मोमेंटम हो सकता है, यानी कल अगर मोमेंटम हुआ भी तो 200 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो
तो आई होप कि मैंने आपको अक्षय चेन के ऊपर जो लेवल बताए थे, तो यहाँ पे आपको जो कि पता होगा कि कैसे देखना है। जैसे कि अभी 26,000 चल रहा है, तो इसके थोड़ा सा 100 पॉइंट्स अगर हमको यहाँ पे जो कि जाता है या नीचे भी खुलता है तो वहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर जाता है तो 26,200 अराउंड यहाँ पे हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और एक रेजिस्टेंस अगर हो सकता है, जैसे कि मार्केट अगर यहाँ पे आज का हाई जो बनाया ये भी हमारे लिए जो कि एक रेजिस्टेंस होगा 26,032। अगर मार्केट इसके थोड़ा नीचे जो कि ओपन होता है और नीचे 25,851, तो ये रेंज हमारे लिए कल नजदीक वाला रेंज हो सकता है। इंट्राडे में क्या रेंज होगा ये हम देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। जो कि आज का हाई बना था, तो यहाँ पे देखिए कि जो कि आखिर में मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, लेकिन जो आखिर में जो मोमेंटम था एक बुलिश था। तो कल 26,032 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे आपको एक बाइंग का मौका मिल सकता है। सेलिंग के लिए 25,952 जो कि ये रेंज है, 25,952 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मार्केट पॉजिटिव है तो यहाँ पे जितने भी आपको लेवल दिख रहे चार्ट के ऊपर तो वो भी नोट डाउन कर सकते हो। कभी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो ये लेवल के ऊपर भी सपोर्ट लेके जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी देखते हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 133 पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो रेंज बना था कल हमने 53,729 से लेके 54,158, तो बैंक निफ्टी है ये रेंज में नीचे गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी कवर हुआ है। लेकिन ऊपर जो लेवल है जो कि हमने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया था उसका जो 61 का लेवल है वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी 54,158 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा 56,938 का यहाँ पे लेवल आ सकता है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है 53,729 का है, जो कि यहाँ पे आज लगभग वो लेवल के थोड़ा ऊपर से यहाँ पे कवर हुआ। तो नीचे का जो सपोर्ट है यहाँ पे बैंक निफ्टी को स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी का ओवरऑल जो ट्रेंड है ये बहुत ही पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी जैसे कि निफ्टी ने नया फ्रेश हाई बनाया वो आज हाई नहीं बना सका, लेकिन अगर ये लेवल 54,158 अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का जैसे कि आज एक्सपायरी था इसलिए थोड़ा सा ये एक रेंज में था, लेकिन कल शायद निफ्टी का जो कि एक्सपायरी होगा तो निफ्टी रेंज में बाउंड हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेंज बना है और अच्छा कंसोलिडेट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल ऊपर का लेवल 54,158 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो है कि लॉन्ग का पोजिशन बन सकता है। नजदीक वाले लेवल ही हमको 53,729 एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पे होगा वो है 53,362 का एक लेवल है, ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। हम लोग इंट्राडे में देखेंगे बैंक निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी जो है कि थोड़ा नीचे ओपन हुआ था लेकिन बहुत ही अच्छा कवरिंग किया और क्लोज भी जो है कि हाई ऑफ द डे लगभग दिया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है और कल हम लोग 54 इंट्राडे में अगर हमको बाइंग के लिए लेवल देखना है तो वो होगा 54,194 के ऊपर बाय करेंगे और सेल करेंगे 54,027 जो कि ये लेवल है उसके नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी भी अगर हम देखते हैं तो ये भी एक रेंज बाउंड हुआ है, लेकिन 25,028 के ऊपर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे सकता है। नीचे जो सपोर्ट है 24,681 का यहाँ पे सपोर्ट है जहाँ पे हमने फिबोनाची लगाया था और ये जो 861 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो है कि 25,028 के ऊपर। फिन निफ्टी में इंट्राडे करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, 25,028 के ऊपर बाय करेंगे और सेल करेंगे 24,900 के नीचे हमको यहाँ पे सेल करेंगे। दोस्तों कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखते हैं। तो पहला स्टॉक होगा यहाँ पे ग्रासिम। यहाँ पे ग्रासिम में क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ग्रासिम यहाँ पे जो क्लोज हुआ है ये 100 DMA के ऊपर सपोर्ट लिया है। अगर आप इसका पिछला कभी भी रिकॉर्ड देखो तो ये कभी भी 100 के ऊपर ये सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है और आज भी इसने 100 के ऊपर सपोर्ट लिया है और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनाया इतने दिन के गिरावट के बाद। तो कल हम लोग इसको 2664 के ऊपर बाय करेंगे, 2705 का भी यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं इंट्राडे के लिए। और ऐसे स्टॉक ये लेवल के ऊपर अगर आप डिलीवरी के भी लिए देखते हो और आज के कैंडल का लो टॉपलेस लगा के डिलीवरी देखते हो तो डिलीवरी भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है NTPC। यहाँ पे NTPC में जो कि IPO का न्यूज चल रहा है
तो यहाँ पे इसमें मोमेंटम भी आया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा पीछे जाके तो ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई है, इसलिए हमने इसको फिबोनाची भी लगाया था। तो आज भी है कि 61 के ऊपर इसने स्ट्रांगली यहाँ पे क्लोज दिया। हम लोग बाय करेंगे 437 के ऊपर, और इसका टारगेट जो है कि आ सकता है 450 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों जी स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे ही चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल सीखना है लाइव मार्केट में मेरे साथ, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।